हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं नारियल की चटनी। साउथ डिश के साथ सर्व की जाने वाली ये स्पेशल चटनी इडली डोसा बड़े के साथ सर्व की जाती है। आइए जानते हैं इसके लिए क्या क्या सामग्री की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए हम सबसे पहले ले लेंगे कच्चा नारियल, दही, कच्ची मूँगफली, नींबू, धनिया, चने की दाल, हरी मिर्च, तड़के के लिए लाल मिर्च, राई इससे हम तड़का लगाएंगे, पुदीना और कड़ी पत्ता। तो इन सभी चीज़ों को हम मिक्सर ग्राइंडर में पीसने की करते हैं तैयारी। काफ़ी स्वादिष्ट और स्पेशल चटनी होती है। तो नारियल के छोटे छोटे टुकड़े हमने कर दिए हैं। अब हम इन सभी चीज़ों को मिक्स करके इसे पीस लेंगे। थोड़ा सा हम इसमें डाल देते हैं दही, जो इस चटनी में थोड़ा सा खट्टापन लेके आएगा। तीन चार हमने डाल दिए हरी मिर्च, थोड़ा सा हम डाल देते हैं पुदीना, थोड़ा सा हमने डाल दिया धनिया, अब हमने डाल दी दाल, चने की दाल भीगी हुई, अब हमने डाल दी भीगी हुई मूंगफली। इसको आप रोस्ट भी कर सकते हैं लेकिन हम कच्चे ही डालेंगे। अब हम इसमें डाल सकते हैं स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा हम डाल देंगे इसमें पानी, आप इसमें नारियल का पानी भी डाल सकते हैं, हमने पानी डाल दिया है। अब इन सभी चीज़ों को हम मिक्सर ग्राइंडर में पीसते हैं। नमक हम स्वाद अनुसार डालेंगे। काफ़ी स्वादिष्ट ये चटनी होती है, काफ़ी अच्छी होती है। साउथ डिश के साथ अक्सर इसको परोसा जाता है। तो चटनी हमारी पीस कर बिल्कुल तैयार हो गई है, काफ़ी अच्छी लग रही है। अब हम इसको एक बड़े बर्तन में खाली कर लेते हैं। बिल्कुल परफेक्ट हमारी चटनी पीस चुकी है। अब हम करते हैं इसके तड़के की तैयारी। थोड़ा सा इसके फ्लेवर को बढ़ाने के लिए हम डाल देंगे नींबू, जो इस चटनी के फ्लेवर को बढ़ा देगा। अब हम गैस करते हैं ऑन, इसमें डालते हैं थोड़ा सा ऑयल, करते हैं तड़के की तैयारी। थोड़ा सा हमने डाल दिया ब्लैक सरसों, राई को ब्राउन होने देते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे तीन चार लाल मिर्च, इनको भी हम ब्राउन होने देते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे कड़ी के पत्ते, इन सभी चीज़ों से हमारी नारियल की चटनी का स्वाद बढ़ जाएगा, काफ़ी स्वादिष्ट वो बन जाएगी। तो तड़का हम लगा देते हैं। काफ़ी अच्छी ये नारियल की चटनी होती है। नारियल का पानी तो एक मेडिसिन के रूप में होता ही है, सबको पता है इसके क्या बेनिफिट हैं, लेकिन नारियल की चटनी भी काफ़ी अच्छी होती है। हमारी हेल्थ के हिसाब से भी काफ़ी अच्छी होती है, हमारे बालों के लिए अच्छी होती है, स्किन के लिए अच्छी होती है। तो साउथ इंडियन लोग इसको बहुत यूज में लाते हैं। तो उनके आप बाल देख सकते हैं कितने घने होते हैं, कितनी अच्छी इनकी स्किन होती है। तो हमें भी इसे अपने खाने में यूज करना चाहिए। तो इसको हम एक बर्तन में स्टोर करके भी रख सकते हैं, कम से कम 4-5 दिन हम इसको यूज में ला सकते हैं स्टोर करके। आप चाहे डोसा खाएं, इडली खाएं, या सांभर, या बाकी और खाने के साथ भी इस चटनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरी आज की रेसिपी आपको कैसे लगी, आप भी इस रेसिपी को ट्राई करना। फिर हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ओके बाय, टेक केयर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट शेयर करना।